In North India, in some towns and villages, it's an age-old tradition for the unmarried boys to live in a room outside called the baithak, separated particularly from the women of the family. हमारे मेवाती में बोलते हैं कि जो अंदर घर में रहता है घर घुसना इसमें अकल नहीं है अकल होती थी बैठक पे बैठता This baithak is like a common room that becomes the sleeping quarters for the unmarried boys of the family. अगर बच्चा सियाना होगा तो वह घर पे जब तक शादी ना होगी जब तक घर पे कोई अख्तियार नहीं है उसको जाना They enter their own houses only for meals and hang out in these baithaks during the day. This separation of spaces continues to systemically affect the men as well as the women of the community. हमसे बड़े ससुराल कोई भी है तो घूमट मार के रखते लड़की को थोड़ा पर्दे के एतबार से घर में रखते इंसानों ने जो बंटवारा किया है ये बंटवारा सिर्फ बंटवारा नहीं है ये ऊंच नीच Uncheira is around 100 kilometers away from the multi-stories of the national capital, New Delhi. With a small population of around 1,500 people, Uncheira is one of the many villages that still follow the unique culture of building baithaks, which are rooms reserved only for males. The aim of the practice is to keep the men and women separated to avoid any chances of dishonor if the two genders meet. Naseem moved out of Uncheira with his family when he was 9 years old. And it's only after being away that he began to question what this kind of division might be doing to people around him. मुझे अभी 16 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए और यहाँ मेरा बचपन गुजरा है बैठक को लेके जो कॉन्सेप्ट है दिल्ली में उसका अता पता ही नहीं है ये सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं है यहाँ पे ये चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो सबके यहाँ पे है ये बनाया हुआ है बुजुर्गों ने शुरू से ही चला रहा है कभी किसी ने सवाल नहीं किया औरतें जो है एक घर में रहें जितने भी जेंट्स लोग हैं वो एक बैठक पे रहें यहाँ तक कि लोग पसंद नहीं करते कि भाई बहन भी साथ में रहे A baithak is quite literally a room to sit in and has been part of some houses in South Asia for generations. But in certain areas of North India, they have become places for young boys to live in, separated from the main house. Even a small village like Uncheira has 5 main baithaks and around 10 boys and men can sleep here each night. These baithaks are mostly owned by the prominent families of the village and are seen as a status symbol. ये घर है मेरा मेरे घर वाले भी अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं कि वो चीजों को एक्सेप्ट करें आप पूरे घर में नहीं जा सकते सबके साथ में एक कमरा है फिक्स कि आप उसके अंदर जाके बैठोगे और वहीं से आप चले जाओगे बाहर पाबंदियां हैं बट उतनी नहीं है कि जितनी सबके घरों में है अभी ना मैं आपको अपना पुराना कमरा दिखाता हूँ जहां पे हमारा मेरा बचपन जहां पे बीता है ये हमारी बैठक है मेरे ख़ानदान की बैठक है मैं 5 या 6 साल का रहा हूँगा जब मैंने यहाँ पे सोना शुरू किया और उसके बाद मैं एक सिंगल डे भी अपने घर में नहीं सोया हूँ पर्टिकुलर टाइम बना दिया जाता है घर जाने का वो होता है मतलब वो कोई बोलता नहीं है वो हम सीखते हैं बड़ों को देख देख के कि हमारा कोई भी लड़का जो है 6, 7 या 12 साल के बाद में नहीं रुकता है घर पर यहाँ तक कि मेरे जितने भी भाई थे मुझसे छोटे भी और मुझसे बड़े भी मेरे जितने चाचा थे हम लोग सब इधर ही होते थे जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ और जब वहाँ पे चीज़ों को देखा जाके कि यार वहाँ तो कोई बैठक थी नहीं हम लोग एक फ्लैट में रहते थे जाके जो 3 BHK था अब उसमें मेरी पूरी फैमिली रहती थी जो मेहमान मेरे यहाँ पे आएंगे उनको मैं बैठक पे बिठाऊंगा बट वो जब दिल्ली में आएंगे तो मेरे घर में रहेंगे जो मजबूरी में जो चीज़ें की धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई फिर धीरे धीरे समझना शुरू किया चीज़ों को मैं जब अपने दोस्तों के घर जाने लगा अपने फ्रेंड्स के घर जाने लगा जब मैंने चीज़ों को देखा कि यार नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए अगर कोई मेरा मेहमान आ रहा है तो एटलीस्ट वो मेरे घर पे आए Many from the previous generations too grew up in this system, sleeping in these baithaks. इसको बैठक भी बोलते हैं कमरा बोलते हैं ये
एक सार्वजनिक जगह के रूप में होती है, इसको एक अच्छी जगह मानते हैं जैसे मंदिर मस्जिद। ये तो एक अदब है, मतलब अपने बड़े बूढ़ों की परंपरा है, मतलब हुक्का पानी पीनो, बैठनो, अपनी खेती बाड़ी की बात करनी। किसी से मेरी बगावत भी है तो मेरे घर तो नहीं जाएगा लेकिन बैठक पे आ जाएगा, अच्छी बुरी जैसी कोई बात होती है उस बात का फिर समाधान भी करते हैं बैठ के। छोटा बच्चा जो होता है वो माँ के पास रोता है, फिर 12-13 साल की उम्र में जो है बच्चा बैठक में आने लगता है, वो फिर बड़े बूढ़े की सोसाइटी में आके बैठने लगता है, उससे अच्छी बातें लेता रहता है और बुराइयाँ जो है उनको बड़ा बूढ़ा जो शिक्षा देता है, बेटा बुराई नहीं करना, ये अच्छे काम है, इस नक्शे कदम पर चलना, बुराइयों से बचना। जब तक बच्चा समझीता ना हो वह तो घर पे सो भी सके। अगर बच्चा सियाना होगा तो वह घर पे, जब तक शादी ना होगी जब तक घर पे कोई अख्तियार नहीं है उसको जाने में, खाना खाने के लिए जा सके, भाई ये नहीं है ककला अब यहाँ सो जाओ जाके घर पे। और इस सहानो समानो कितने साल को हो जाएगा? कम से कम 15 साल से लेकर 20 साल तक। लेडीज जो है हमारी वो घर पे बैठक पे आ सके, कोई काम से आ सके, बिगर काम ना आ सके, हमको यहाँ रोटी लाएगी वो तो अपना काम कर कर वापसी घर ही जाएगी। जब छोटी बच्ची हो जब तब सब बैठा लेते हैं, जो हाँ बड़ी उम्र हो जाता है फिर उसको लड़की को नहीं भेजना, बुरी बात समझते हैं कि हमारी लड़की की तरफ कोई दूसरा आदमी देखे, कहीं कोई ऐसी बात ना हो हमारे खानदान में कोई धब्बा लग जाए, हमारी लड़की शैतानी करे या लड़की के साथ कोई लड़का शैतानी करे, तो इससे हमारी समाज में गिरावट पैदा होती, कमजोरी पैदा होती, इसलिए लड़की को थोड़ा पर्दे के एतबार से घर में रखते हैं, उसको लड़की को शिक्षा माँ देती है। तो ये एक किस्म का मतलब कंट्रोल है, गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो गाड़ी मनमा जहाँ जाके ठुक जाएगी, तो यही आदमी की ब्रेक ही समझो इन बातों में। मेरा नाम समीर है, मालक गांव से। तो आप यहाँ पे बैठक पे सोते हो? यस। तो आपका मन नहीं करता अंदर घर पे सोने का? नो। यहाँ पे क्यों सोना चाहता है? यहाँ अपने बड़े भाई के साथ एंजॉय भी कर लेते हैं, थोड़ा कुछ पूछना है स्कूल का उससे पूछ भी लेते हैं, इधर बड़े बूढ़े लोग आते हैं वो अपने जमाने की बात बताते हैं तो हम सुनते हैं, तो फिर कुछ अपने मन में विचार भी लाते हैं। तो अगर तुम्हें आज बोले कि तुम्हें घर पे अंदर सोना है तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर का मजा उधर नहीं है। The bedtime system reduces the amount of time young boys get to spend with the women of the family, like their mothers, sisters, and aunts. Naseem spoke to two of his friends, both in their late 20s, to see if there has been any change in the mindset of the younger generation. मेरे नजर में तो 18 साल के बालक भाई साहब ना समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ को असर कहाँ पड़ा है चीज़ें? अब जैसे मान ले तेरी शादी हुई, अनीस घर ना सो करो, जब तेरी शादी हुई कहीं को ना सो करो? मेरे घर वाले दोनों घर पे हैं, अब बच्चे वहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, तो ऐसे थोड़े ही यार तो कुछ इज्जत तो करनी चाहिए बच्चों पर असर पड़ता है पर उस चीज़ का। इज्जत तो कहीं दिल से हो गई है ठीक है, लेकिन वासु का असर पड़ेगा? मतलब 10-12 साल का बच्चा है, दो साल, एक साल में, 6 महीना में, तो वो आप ये चीज़ का असर पड़ेगा। हमने देखेगा माने लोटा बैठा हमने कोई भी गलत में, अगर हमने देख ले तो फिर वाकई भी कंडीशन आ जाएगी, फिर कोई भी गलत काम कर सके कहीं भी, तो वहाँ तो फिर भी आगे जाकर पता लगेगा नहीं सारी चीज़ें की। हाँ फिर मन कर सके मन ना कर सके, बात तो सही कह रहे हो वही बात है, यही चीज को अदब करें और कहा। The baithak system exists because many here feel that seeing grown men and women interact or even hanging around their female relatives could corrupt the minds of young boys. But even the women's lives are affected. Unchera has a lower literacy rate compared to the rest of the state, but the women are being left further behind. They're also nudged out of the common areas and kept away from the baithaks where decisions are being made. The expectation from them is to play their traditional role. जो हमसे बड़े ससुराल कोई हुई रही है तो घूमट मार के रखते, दिक्कत होती है जब बाहर चले जो कुछ दिक्कत नहीं रहती, तो फिर लोटे बैठे कैसे रहे, फिर हमको फायदा हो जाता है।
यहाँ तो हम रहते और कमरा वो बैठक पे हमारे देवर है पूर्व गुरह में खाना पीने कुआ में कोई सब्जी साग कोई पानी पत्ता कोई कैसो बाग दिया बजे सामने सब कमरा पे रहे कोई ना आवे यहाँ बहू भी बैठी है बेटी भी है सब है अच्छा ना लगेगा और बहुत देर बाहर भी रह ले वो अच्छा लगता है पर अगर देवर यहाँ रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी कुछ दिक्कत ना आई दुनिया वाले उड़ाने में देर नहीं करते पति नहीं रहता घर क्या करते हैं पीछे से भाभी देवर इस वजह से वहाँ पे रखते हैं जब पति रहता जब तो बेशक आ जाओ जब पति नहीं रहता अपने बाहर रहे काम काम रोटी को जैसे पानी को पत्ता ऐसे तो आ जाते हैं ऐसे ना तुम यही आके लौट गए बैठ गए ऐसे ना आप लोग को बुरा नहीं लगता कि कोई ऐसी बातें उड़ा रहा है फालतू बहुत बुरा लगता है बुरा नहीं लगता अपनी इज्जत में वो लगता धब्बा इज्जत अपनी कैसी रहती बचानी These patriarchal practices built around protecting honor are born of convenience, according to Kamala Bhasin, who's been studying gender in rural India for 5 decades. भेदभाव कुदरत ने नहीं किए इंसानों ने जो बंटवारा किया है ये बंटवारा सिर्फ बंटवारा नहीं है ये ऊंच नीच भी है और पेट्रियार्की की वजह से ये पावर पॉलिटिक्स औरत और मर्द में है मेरा ये मानना है कि इसमें सिटी और रूरल की बात नहीं है इसमें बात है अमीर और गरीब की जो जमींदार की बीवी है वो सेग्रीगेटेड है लेकिन वो मजदूर औरत जो उनके घर में काम करने आती है वहाँ कोई सेग्रीगेशन नहीं है या पेट पाल लो या सेग्रीगेट हो जाओ तो ये सब प्रॉपर्टीड वालों का है जिन्होंने अपनी औरत को बंदी बना के रखना है कि कहीं उसके कोख में किसी और का बीज ना आ जाए कि ये जो औरत जिसने सिर्फ हमारे बेटे पैदा करने हैं वो किसी और को छू ना सके बैठक्स हैव एग्जिस्टेड एंड हैव बीन एक्सेप्टेड इन द ट्रेडिशंस ऑफ द नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा एज वेल वी हेड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम राजस्थान टू मेवात to meet Sakir, who owns one of the biggest baithaks in his village. Sakir believes that segregated spaces are important to instill values in girls as well. अपनी बहन के साथ दो बात बैठ के बतलाना एक परिवार के साथ उसको समझाना ये बहुत जरूरी है वो एक परिवार अलग बैठ के ही समझा सकता है बैठक में नहीं समझा सकता औरत को आप लोगों को नमाज पढ़नी है आप लोगों को सुबह सुबह टाइम से खड़ा होना है खड़ा होकर सुबह तुम्हें ये चीज़ करनी है कहीं थोड़ा सा भी शक होता है भाई ये है कहीं गलत कदम उठा सकता है तो उसे समझाते हैं परिवार में तालीम के लिए कहते हैं कि आप पढ़ो पढ़ने के लिए जाओ बेटा इस तरीके से जाना किसी की तरफ लखाना नहीं है मर्द की तरफ लड़के की तरफ किसी की तरफ आप सीधा अपने स्कूल जाना है सीधा फिर अपना घर आना है किसी की तरफ नज़र नहीं उठा कर देखना पूरी नज़र किसकी है मर्दों की तो मेरा दुपट्टा लेके इसकी 50 आई बैंड बना के उन मर्दों की कमबख्तों की आंखों पर बंद कर दीजिए ना जिस पर वो नज़र डालता है उसको बंद करोगे आप यही देख लीजिए ना कि कितनी इसके अंदर कितना इंसाफ है और मैं ये मानती हूँ कि कोई भी लड़का बुरी नज़र लेके पैदा नहीं होता उसको बुरी नज़र सिखाई जाती है और मैं अब इस चीज़ से बहुत तंग आ गई हूँ और हम औरतें भी हमेशा औरतों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे पिछले 20 साल से मैं कह रही हूँ कि मर्द को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा शैतानी से कि वो शैतान न बने और वो शैतान बनने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता वो शैतान घरों में बनाया जाता है Men have had to find a way around the baithak system as well. Rahul and Mushtaqim have chosen to live in a baithak even after they got married, had to sneak into the house at night to meet their wives. Because even married couples spending time together can raise eyebrows. तू कितने बजे गया? मैं वो कम से कम करीब 12 बजे. 12 बजे. कितने बजे आया? ऐसा वो 4 बजे. और कितने दिन तक चले ये सब चीज़? चले जब तक कोई 2-4 बच्चा ना हो जाए. एक हफ्ता तक मैं लोग सही तरीके से शक्ल ना देखी सूरत ना देखी. अब तो लाइट भी घर फुल है. जब घंटा दो घंटा लाइट आ गई तो हम कहा था बोल मतलब ले कहा सकें सुबह तो रात देख ले ढंग से अब अपन दिल्ली में तो कहा ऐसा कोई सीन ही ना कि भाई अब कर जब मर्जी गए लड़कर जब मर्जी आओ भाई सोके यार एक नॉर्मल पहले अब अपने ही जो सिस्टम इतना लग कहीं को एक जो हमारे यहाँ ने हम यहाँ शर्म करा अपने बड़े ने की
मैं एक बात कह रहा हूँ दोस्तों, माँ बाप ने तो मेरी शादी करवाई है, अब उन लोग कहाँ शर्म दिखाऊंगा। मुझे हमसे बड़ा ही करता आया था। अच्छा, हम तुमसे छोटा ही तो है। अपने अपने क्षेत्र में ये परंपरा पहले से चालू चलती आ रही है। बहरहाल बदल लो ना चाहो या कल्चर बदलो तो जावे ना, चल हमने बलद लो ही बलद लिए गाँव गाँव बलद लिए हमारे और गाँव भी पूरा क्षेत्र आ जाए ना अपना गाँव ना बदल ना, जब बड़े बूढ़े इनकी जो रिवाज चल रही है। The Baithak culture is unique, but it comes with its own problems. जो लोगों को अलग divide कर रखा है, मतलब ladies घर के अंदर और gents घर के बाहर, तो इसको लेके जो चीज़ें ख़राब होती हैं, जो एक long term में होती हैं, वो उसका हम लोगों को पता ही नहीं है कि चीज़ों को हम कैसे देखने लगते हैं। कि एक 10-12 साल का बच्चा जब उसको घर से निकाला जाता है तो वो सोचने लगता है ऐसे कि यार मैं कर क्यों, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, और जिस जिन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते तो देने लगता है। दिस कल्चर हैज बीन डीपली इंट्रेंच्ड एंड इट नॉट ओनली नॉर्मलाइजेस पेट्रियार्की बट ऑल्सो प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम क्वेश्चनिंग देयर ओन पार्टिसिपेशन इन दिस सिस्टम। बोलेंगे मत करो, तुम नहीं करना चाहती है, तुम्हारा दम घुटता तो मत करो। जब ससुराल के बोले तुम घूंघट करो, भाई घूंघट कर लो। जब करेंगे, जब माँ बापन की भी वो रहेगी दब दोस्त, तो घूंघट कर, आप इज्जत रहे, आप इज्जत बोलो, देवर थे, सास थे, ससुर थे, जेठ थे, सबसे बोलना पड़े।